अगलन आपने डिमांड किया, हमने प्रेजेंट किया। सो गाइस, ब्रिंगिंग यू 1 घंटे में सारे चैप्टर्स के रिवीजन, जैसा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल डाला था एंड आप सबने बोला कि यस सर, प्लीज ब्रिंग इट ऑन। अब मैं आप लोगों को जो अभी लेक्चर लेने वाला हूं उसका जो नोट्स है वो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा इन केस यू डोंट हैव। अगर आपको ये मेरा थॉट प्रोसेस दैट ऑल थियोरी चैप्टर्स के कीवर्ड्स, बिकॉज एग्जाम में वो क्लिक होने चाहिए, अच्छा लगा, देन प्लीज डेफिनेटली शो योर थम्स अप सो दैट इट विल रियली बी हेल्पफुल टू अदर्स ऑल्सो, और आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो नाउ ऑन दैट नोट, सो मोर देन आई थिंक 2500 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी वोट कर दिया है विद इन फ्यू आवर्स। सो आई एम श्योर उतना ही लाइक्स भी चाहिए, एटलीस्ट उन लोगों का तो चाहिए जिन्होंने वोट किया है, उनके लिए मैं ये मेहनत करके पूरा बना रहा हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स गाइज। सो 1 घंटे में, बिकॉज आई नो आप लोग के लिए टाइम बहुत क्रूशियल है, मैं चाहता हूं एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2-3 बार आप लोग ये सुन लो, एग्जाम पे जब जा रहे हो तब कान में डाल देने का अपने को हैंड्स फ्री और सुनते रहने का, तो अपने को वो सब रिकलेक्ट होते जाएगा। यू विल बी एबल टू राइट इट इन द एग्जाम, बिकॉज एग्जाम में वही डर रहता है सर याद नहीं आया तो, याद नहीं आया तो लो अब याद करवा दिया। अब एक बार अभी ऑन द स्पॉट पूरा सुन लेना एंड देन फिर बाद में लास्ट में एग्जाम के टाइम पे और बीच में कभी भी कुछ खा रहे हो पी रहे हो या कुछ टाइम पास कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार चल टाइम वेस्ट हो रहा है उससे अच्छा मैं ये सुन लेता हूँ, सुन लेना 1 घंटे में सारे चैप्टर्स। ऑब्वियसली 1 घंटे में सारे चैप्टर्स कर रहा हूँ तो इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, खाली मेन मेन जो पॉइंट्स है सब पॉइंट्स मैं मेजरली कवर कर रहा हूँ, उन सबके जो कीवर्ड्स है वो सारे कवर कर रहा हूँ मैं, सो दैट यू कैन इजिली एबल टू रिकॉल ऑल ऑफ द थ्योरी दैट यू वॉन्ट। प्लस लिमिटेड टाइम में तो आप तो आई एम श्योर 1.2 या 1.5 की, वैसे तो मैंने भी स्पीड में ही बोलना है, बट आप लोग भी उसको स्पीड में सुनोगे तो और फटाफट से आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, सो अब प्लीज ये बार क्लियर करके खत्म कर दो इस सब्जेक्ट को, इस ग्रुप को, एंड हो सकता है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन को भी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जो मेरी तरफ से होता है वो मैं करते रहूंगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक द आइडिया, और कुछ आप लोगों को चाहिए अपने पास 2 दिन है लेट मी नो, विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट थिंग पॉसिबल। चलो लेट द गेम बिगिन। मैंने सीक्वेंस में नहीं लिया है चैप्टर वाइज, मेरे हिसाब से मैंने चैप्टर रखे वो आप लोग पीडीएफ से आप लोग अपने हिसाब से स्क्रॉल करके यू कैन जस्ट टेक इट एंड दैट वुड बी इट। सी यू। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, इसमें अपने को 6 टेक्निक्स ध्यान में रखनी है, लीन 1 जस्ट इन टाइम, लीन 2 काइजेन, लीन 3 5S, लीन 4 टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, लीन 5 सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग, लीन 6 6 सिग्मा। सबसे पहले लीन सिस्टम का मतलब क्या होता है, लीन सिस्टम का मतलब टू एंश्योर दैट जो भी अनवांटेड चीजें हैं उसको अपन लोग बाहर निकाल दे। तो यहाँ पे जैसा कि अपन लोग देख सकते हैं कि जो मेन वर्ड्स अपने को याद में रखने हैं दैट इज वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो। ठीक है, सो ये अगर कोई भी काम कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का उसमें अपने को वेस्ट मिनिमाइज करना है। अब वो वेस्ट कौन से है, तो यहाँ पे 7 वेस्ट दिया हुआ है जिसका मैंने शॉर्टकट दिया हुआ है टिमवुड। ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन एंड डिफेक्ट्स। तो ये टिम वुड आपको 7 चीजें याद रखनी है, अंदर का आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में यहाँ पे आ जाती है प्रिंसिपल्स ऑफ लीन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन। 4 प्रिंसिपल्स है और 4 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंसिपल्स का बात करता हूँ, तो इसका मैंने शॉर्टकट बनाया PWCF। P स्टैंड्स फॉर परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी, W वेस्ट मिनिमाइजेशन, C है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, F स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट सब जगह पे अपना यूज करते ही है। लीन बोलता है कि भाई या जापानीज उनका सिस्टम ही ऐसा है, वो लोग बोलते हैं कि यार जो काम कर रहे हो ना पहले इतना अच्छा बनाओ कि बाद में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है, इसके वो लोग बोलते हैं परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी। फिर बाद में W वेस्ट मिनिमाइजेशन, अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे ये वेस्ट मिनिमाइजेशन यहाँ पे भी यूज हुआ है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट सब जगह यूज करना ही है। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ न्यू वर्ड जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको है ना 0 वर्ड याद रखना है, क्योंकि 0 वेटिंग टाइम जो अपना जस्ट इन टाइम बोलता है, 0 इन्वेंटरी जो जस्ट इन टाइम बोलता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। सो ये सब मिला के आपका लीन सिस्टम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, वेस्ट मिनिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो, 7 आपको टीम वुड याद रखने, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेटिंग, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, डिफेक्ट्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स में परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी, वेस्ट मिनिमाइजेशन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी वही चीज है, 0 प्रोडक्ट यहाँ पे, 0 वेटिंग टाइम, 0 इन्वेंट्री, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। अब आ जाते हैं अपन लोग जस्ट इन टाइम के ऊपर, विच इज द फर्स्ट लीन। जस्ट इन टाइम बोलता है कि भाई देखो हम लोग का एक सिस्टम है,
और जहां पे हम लोग को ध्यान में रखना है दैट वी प्रोक्योर प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब रॉ मटेरियल एज दे आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। तो कितनी बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीआईटी परचेज, व्हाट इज जीआईटी प्रोडक्शन, आपको ये लिख कर आना है प्रोक्योर प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स एज दे आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जैसे ही कस्टमर से ऑर्डर आ जाएगा आप रॉ मटेरियल सप्लायर जो है उसको इंटीमेट करेंगे, वो सीधा आपके फ्लोर के ऊपर डिलीवरी कर देगा, आप पूरा प्रोडक्शन करके डिस्पैच कर दीजिए एंड यू आर थ्रू। अब अगर समझो क्वेश्चन आता है कि भाई जस्ट इन टाइम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताइए, तो जस्ट इन टाइम की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है रिडक्शन इन इन्वेंट्री, बिकॉज आप अननेसेसरी रॉ मटेरियल मंगा ही नहीं रहे, उतना ही मंगा रहे हो जितना आपको प्रोडक्शन करना है। रिड्यूस स्पेस मैनेजमेंट, बिकॉज आपके सीधा शॉप फ्लोर के ऊपर, मशीन फ्लोर के ऊपर ही सप्लायर रॉ मटेरियल रखकर जाएगा। एंड लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, बिकॉज आपके रेंटल और काफी सारे कॉस्ट बच जाएंगे। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि भाई अगर अपना सप्लायर ने धोखा दिया, नॉन अराइवल ऑफ सप्लाईज, हाई डिपेंडेंस है सप्लायर के ऊपर, इंक्रीज ऑर्डरिंग एंड एडमिन कॉस्ट, बिकॉज आप बार बार जब भी आपको ऑर्डर आए तब आप ऑर्डर करोगे, स्टोर नहीं कर रहे हो, सो वो थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस है। एंड बाकी एडवांटेजेस आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, रिडक्शन इन इन्वेंटरी, स्पेस रिक्वायरमेंट कम करना है, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर बाद में आते हैं अकाउंटिंग इन जेआईटी। अकाउंटिंग इन जेआईटी में बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज होता है बैक फ्लशिंग का। बैक फ्लशिंग क्या बोलता है कि भाई पहले पूरा का पूरा महीना में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो देखो, वो प्रोडक्शन करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो देखो, उसमें एडजस्टमेंट कर लो आप लोग के जो भी एडिशनल ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक था या कुछ भी स्क्रैप हुआ, अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एंड दैट विल गिव यू द रॉ मटेरियल यूज बाई यू इन द होल मंथ। तो एक एक बार रॉ मटेरियल, सपोज महीने में 10 बार 20 बार रॉ मटेरियल आया, तो हर बार उसका रिकॉर्ड मत मेंटेन करो, पूरे महीने में देखो कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए। आप पीछे जा रहे हो, पहले प्रोडक्शन कितना हुआ वो देखो, उससे वो बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें कितना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, उसमें कितना स्क्रैप का एडजस्टमेंट है, दैट विल गिव यू द रॉ मटेरियल यूटिलाइज्ड बाय यू इन द होल मंथ। सो फाइंड टोटल प्रोडक्शन कंप्लीटेड, कैलकुलेट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर प्रोडक्शन एंड टोटल रॉ मटेरियल सप्लाइड, उससे आपको मिल जाएगा। वेज टू रिजोल्व जेआईटी प्रॉब्लम, तो जेआईटी में कुछ तकलीफें होती है उसको रिजोल्व करने के लिए दो मेथड है, एक है कैनमैन कार्ड और दूसरा है वर्किंग सेल्स। कैनमैन कार्ड मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मशीन होती है, तो जब आपका जो मशीन्स है वो एक मशीन के जो ऑपरेटर्स है वो एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट करेंगे, एक होता है अपस्ट्रीम मशीन, दूसरा होता है डाउनस्ट्रीम मशीन। सो जो अपस्ट्रीम, जो डाउनस्ट्रीम मशीन है वो अपने अपस्ट्रीम मशीन को बोलेगा कि भाई तू इतना ही रॉ मटेरियल यूज कर, तू इतना ही क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कर, सो दैट आउटपुट कोई भी वेस्ट ना हो। सो से फॉर एग्जाम्पल मेरा मशीन 100 यूनिट्स बना सकता है एक घंटे में, मशीन 2 150 यूनिट्स बनाता है एक घंटे में, तो भी वो लोग बोलेंगे नहीं आप 100 यूनिट्स ही बना। सो डाउनस्ट्रीम मशीन अपने अपस्ट्रीम मशीन को बोलेगा कि भाई तू इतना ही यूनिट्स बना, सो दैट इज वेयर ही विल पास अ कैनबैन कार्ड। डाउनस्ट्रीम मशीन, अपस्ट्रीम मशीन याद रखना है, कैनबैन कार्ड यूज रखना है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये वो सब वर्ड याद रखना है, एंड यू आर थ्रू। यूज टू पुल वर्क ऑथोराइजेशन थ्रू प्रोडक्शन सिस्टम। वर्किंग सेल्स, स्मॉल क्लस्टर ऑफ मशीन विच कैन बी रन बाय अ सिंगल मशीन ऑपरेटर। सो एक मशीन ऑपरेटर ही रखोगे आप, छोटा सा एक क्यूबिकल रखोगे, 3 से 4 छोटी छोटी मशीन, और उसी में एक आदमी पूरा का पूरा काम करके आपको आउटपुट लाके देगा। इससे WIP भी नहीं बनेगा एंड इसे क्विक प्रोडक्शन आपका होते जाएगा। तो स्मॉल क्लस्टर ऑफ मशीन विच कैन बी रन बाय अ सिंगल मशीन ऑपरेटर। फिर बाद में आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन जेआईटी, उसके लिए आपको 2-3 चीजें दी हुई, मशीन यूटिलाइजेशन, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी होना चाहिए आपका, एंड दैट इज वेयर आपका जस्ट इन टाइम टोटली कंप्लीट होता है। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग लीन टू के ऊपर, विच इज काइज़ेन कॉस्टिंग। लीन टू का मतलब होता है काइज़ेन कॉस्टिंग, काइज़ेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चेंज फॉर बेटर। इसके अंदर अपने को कीवर्ड्स कौन से याद रखना है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देखो क्या है, पता है क्या मेन वर्ड्स जो भी मैं बता रहा हूँ उतना बस दिमाग में रख लेना, ये सब मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इतना लिखकर आओ एग्जाम में तो बेसिक मार्क्स मिल जाएगा, बाकी अपने हिसाब से लिखते रहना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन प्रोडक्शन एंड बेनिफिट इन स्मॉल वैल्यूज, तो अपने को ये चीजें ध्यान रखना है दैट छोटे छोटे डेवलपमेंट्स यहाँ पे अपने को काम आते हैं, कोई भी वेस्ट है इन प्रोडक्शन उसके लिए भी काइज़ेन यूज करते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए। फिर बाद में आ जाता है अपना 5S विच इज लीन 3 सॉर्ट सीरी। ये अपने को सर इसमें खाली इंग्लिश वर्ड याद रखोगे तो भी चलेगा, जापानीज वर्ड याद रहे तो ओके, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, इसमें मेरा एक क्लोथ्स वाला एग्जांपल याद रखना है कि भाई अपना जो वार्डरोब है वो वार्डरोब को अपन लोग को बराबर रखना है। तो सबसे पहले होता है सॉर्ट, अननेसेसरी थिंग्स रिमूव फ्रॉम द वर्क एरिया, मुझे ऐसा लग रहा है थियोरी में ये बार 5S आ सकता है तो प्लीज बराबर से करके जाना। सो सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, ये 5 वर्ड्स तो आप लोग को जो इंग्लिश वाले वो याद रखने ही रखने हैं।
सॉर्ट का मतलब जो भी अनवांटेड थिंग्स है, कई बार टेबल पे है ना 10 पेपर पड़े होते हैं, काम के खाली 2 होते हैं, रिमूव अननेसेसरी आइटम्स, जैसे वो कर दिया, फिर जो भी चीजें चाहिए उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर लो, फिर बाद में रेगुलरली उसकी साफ सफाई करते रहो। ऐसा होगा कि समझो कभी ऑफिस में झाड़ू और पोछा लगा ही नहीं, 2 दिन ऐसा करो आपको पूरा एकदम खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कीप ऑन शाइनिंग, कीप वर्क एरिया क्लीन एंड सेफ। फिर बाद में फोर्थ आता है स्टैंडर्डाइज, हर चीज उसकी सही जगह पे होनी चाहिए, प्रोसेस मेजर्स एस्टैब्लिश एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वर्क एरिया एंड सस्टेन, कंटिन्यू करते रहो द अबाउट थिंग्स इन अ डिसिप्लिन्ड वे। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग लीन फोर के ऊपर, विच इज माई टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। यहाँ पे फोकस होता है इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के ऊपर, क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए मेरा इक्विपमेंट ऐसा हो जिसमें ब्रेकडाउन ना हो सके, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो सके, जिसमें कोई भी स्टॉपेज ना हो सके। सो प्लीज ये 3 वर्ड एग्जाम में लिख कर आना, क्या अगर टीपीएम का क्वेश्चन आता है, देन इन दैट केस इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस टू अचीव नो ब्रेकडाउन, 0 ब्रेकडाउन होना चाहिए मेरा मशीन, 0 स्टॉपेज होना चाहिए मेरे मशीन का, 0 डिफेक्ट आना चाहिए मेरे मशीन से, उसके लिए मेरे को मशीन को अच्छी तरह से इंप्रूव करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, उसके लिए ये टीपीएम है। उसके लिए मेरे पास है 8 पिलर्स, या 8-8 पिलर्स एग्जाम में याद रखने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। सबसे पहला है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, मतलब खुद से आप आपके जो लेबरर्स है उनको ट्रेन कर लो, दे शुड बी एबल टू मैनेज द मशीन। सेकेंड है प्लांट मेंटेनेंस, रेगुलर बेसिस पे एवरी सेकेंड संडे ऑफ द मंथ आप लोगों को उसका मेंटेनेंस करवाना ही है, भले ही कुछ ना हुआ। थर्ड है क्वालिटी मेंटेनेंस, एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम द मशीन इज वेरी गुड। फोकस्ड इंप्रूवमेंट काइजेन, मतलब छोटी छोटी भी चीजें होती है तो उसको इंप्रूव करते रहो। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, अगर कोई चीज खराब हुई है तो उसको फटाफट ठीक करवा दो, डोंट वेट कि एकदम खराब हो जाए। ट्रेनिंग एंड एडुकेशन रेगुलरली देते रहो, सेफ्टी होना चाहिए, मशीन शुड बी वेरी सेफ टू यूज। एंड लास्ट है ऑफिस टीपीएम, ऑफिस का भी कोई मशीन है जैसे प्रिंटर, उसको भी रेगुलर बेसिस पे ठीक कराते रहो। ये आपके 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम, क्या ऑटोनोमस मेंटेनेंस खुद से ठीक करो, फोकस्ड मेंटेनेंस मतलब काइजेन के जैसा है कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहो उसके ऊपर। फिर आपने प्लांट मेंटेनेंस एवरी सेकेंड संडे अपने को ठीक कराना है। क्वालिटी मेंटेनेंस, बेस्ट क्वालिटी आउटपुट आते रहना चाहिए मेरे प्रोडक्ट से। अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ऑफिस टीपीएम, सेफ हेल्दी वर्क एनवायरमेंट होना चाहिए, एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलना चाहिए। दीज आर द 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम, और टीपीएम में करना क्या है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग ओईई के ऊपर। ओईई में 3 चीजें होती है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। तो ये तीनों अपने को ध्यान में रखना है कि अवेलेबिलिटी यानी मेरा मशीन कितनी बार स्टॉप हुआ, एक बार भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। अभी क्या होता है पता है क्या, ओई के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं जो मैं आप लोग ऑलरेडी करा चुका, बट उससे रिलेटेड है ना 3 मार्क का 4 मार्क का थियरी डाल देते हैं लोग, जहां पे अपने को ये थियरी लिख कर आना होता है। क्या अवेलेबिलिटी, नो स्टॉपेजेस, इक्विपमेंट फेलियर या ब्रेकडाउन, सेटअप एडजस्टमेंट होना ही नहीं चाहिए, मोर देन 90% टाइम अवेलेबल होना चाहिए मेरा मशीन। तो मशीन कब अवेलेबल होगा, जब वो स्टॉप ना हो। स्टॉप कब नहीं होगा, जब इक्विपमेंट फेलियर ना हो, ब्रेकडाउन ना हो, कोई भी सेटअप एडजस्टमेंट का इशू ना हो। फिर बाद में परफॉर्मेंस, वहीं पे भी छोटे छोटे स्टॉप्स भी नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे स्पीड के साथ काम होना चाहिए। सो स्लो रनिंग, आइडलिंग एंड माइनस स्टॉपेजेस शुड बी रिड्यूस्ड। एंड लास्ट है क्वालिटी, प्लीज किसी भी तरह का डिफेक्ट्स या रिड्यूस्ड यील्ड क्वालिटी डिफेक्ट एंड रिवर्क नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 3 चीजें है आपकी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, देन इन दैट केस आपका वी विल बी परफेक्ट। सो अवेलेबिलिटी दैट नो स्टॉप्स, इक्विपमेंट फेलियर कुछ भी नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस स्पीड एकदम अच्छा रहना चाहिए, क्वालिटी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट कम आउट शुड बी सो गुड दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एट ऑल। फिर बाद में आ जाते हैं मेरा लीन 5 विच इज सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग। सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग में अपने को ध्यान में रखना है कि छोटे छोटे सेल्स बना के देयर विल बी वर्कर्स। तो वो जो मशीन सेल्स किया था वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सो छोटे छोटे सेल्स बना के जो वर्कर्स है दे विल बी इन्वॉल्व इन दिस वर्क। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस आवर फैसिलिटीज विद इन अ सिंगल लाइन ऑफ सेल, ये वर्ड्स लिख कर आने गाइज, इसके लिए मैं इतना उसको हाईलाइट कर रहा हूं। सिंगल लाइन और सेल ऑफ मशीन ऑपरेटेड बाय मशीन इज टू वर्क ओनली विद इन द लाइन और सेल। फिर सब सेक्शन, इट इज अ सब सेक्शन ऑफ जेआईटी, जैसा अपने को पता ही है, एनकंपासेस ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड द गोल्स ऑफ सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग आर मूव एज क्विकली एज पॉसिबल, मेक अ वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, मेकिंग एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। तो अगर एक ही बंदा है वो ही तीनों मशीन्स को, चारों मशीन्स को, छोटी छोटी मशीन्स को यूज कर रहा है तो फटाफट काम होगा, कोई भी WIP गैदर नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो ऑटोमेटिकली उसको फटाफट वो ठीक करके ही आगे बढ़ेगा। सो अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है, सिंगल लाइन और सेल, विद इन द लाइन और सेल, सब सेक्शन ऑफ JIT, यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी, इंटेंट इज टू मूव एज क्विकली एज पॉसिबल, मेक वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स,
मेकिंग एज लिटिल वेट्स एज पॉसिबल। देन बाद में आ जाते हैं मेरा सिक्स सिग्मा। व्हाट इज सिक्स सिग्मा? इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो एकदम 0.02 डिफेक्ट्स पर मिलियन के लेवल पे काम होता है। क्यू, टू एंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो, कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो एंड परफेक्शन इन टर्म्स ऑफ गोल। सो ये तो अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डीमैक या डीमैडवी के ऊपर, इसका फुल फॉर्म बताना चाहिए अंदर का, अपन खुद से लिख सकते हैं। डीमैक का फुल फॉर्म है डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव कंट्रोल, एंड डीमैडवी का फुल फॉर्म है डिफाइन मेजर एनालाइज डिजाइन एंड वेरीफाई। सो वापस एवरीबॉडी मेरे साथ, डिफाइन एम मेजर, ए एनालिसिस, आई इंप्रूव, सी कंट्रोल, डीमैडवी डी डिजाइन, सॉरी डिफाइन मेजर ए एनालाइज, वो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में। D is design, V is verify, and that is your DMAC and DMADV. फिर बाद में अपन लोग का last concept के ऊपर आते हैं, which is process innovation and BPR. Innovation, process innovation का मतलब implementation of a new or significantly improved production delivery method, which helps in ensuring technique and equipment software बराबर चल रहा है। इसमें तीन चीजें अपने को ध्यान में रखनी है एग्जाम में, एक प्रोडक्शन, दूसरा डिलीवरी, तीसरा सपोर्ट सर्विसेज। तो अगर प्रोसेस इनोवेशन के ऊपर क्वेश्चन आया, आप मॉड्यूल भी देखोगे ना, उन्होंने तीन ही चीजें बताई है, प्रोडक्शन डिलीवरी एंड सर्विस सपोर्ट। तो ये तीनों चीजें अगर अपन लोग ने दे दी, प्रोडक्शन डिलीवरी सर्विस सपोर्ट, देन इन दैट केस दैट विल नॉट रिजल्ट इन टू एनी प्रॉब्लम। फिर बाद में आ जाता है बीपीआर। बीपीआर में खाली अपने को ये चार चीजें ध्यान में रखनी है, रेडिकल रीडिजाइन, फंडामेंटल ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, एंड टू एंड business processes and fundamental rethinking. तो radical redesign मतलब बहुत ज्यादा अपने को improvement करने की जरूरत है, ये words basically अपने को याद रखना, examples तो ठीक है, dramatic improvement होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा change होना चाहिए, end to end business process and fundamental rethinking. अगर ये चारों चीजें मिल गई, that means अपना BPR सही तरीके से जा रहा है। Everybody with me, radical redesign, dramatic improvement, end to end business processes, fundamental rethinking. So fundamental rethinking actually first hai, to fundamental rethinking, radical redesign, dramatic improvement, end to end business processes system ho gaya set. Fir baad mein problem nahi hai. Fir baad mein aa jao main stage of BPR ke upar, principles of BPR is okay, matlab ye process aur wahi upar ke jo points hai usi ka similar hai. Fir baad mein aa jate hai main stages of BPR ke upar, चार स्टेजेस है। पहले है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस रीअसेंबली, रैशनलाइजेशन एंड रीडिजाइन। सो ये चार आपको ध्यान में रखना है। क्या? सबसे पहले प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर लो क्या आपका प्रोसेस है। एक बार वो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर बाद में उसको रैशनलाइज करो, रीडिजाइन कर लो और रीअसेंबल कर लो, तो आपका प्रोसेस सही जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ बीपीआर का आता है, तो वो लोग 100% पूछेंगे फोर स्टेजेस ऑफ बीपीआर। आपको फोर स्टेजेस एग्जैक्ट वर्ड यही लिखना है, दैट्स द होल इंटेंट ऑफ दिस लेक्चर, कि ये सब वर्ड्स अपन मिस्टेक ना करें। तो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस रैशनलाइजेशन, प्रोसेस रीअसेंबली, प्रोसेस रीडिजाइन, कोई भी ऊपर नीचे करके लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आना चाहिए। पहले प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लो, अगर आइडेंटिफाई हो गया, अब उसको कैसे सही करना है उसके लिए रैशनली सोचो, प्रोसेस रैशनलाइजेशन, फिर बाद में रीडिजाइन कर लो भाई, रैशनली सोच के अभी चलो ये सब चेंजेस करने हैं, चलो अब रीडिजाइन करके अब मैं रीअसेंबल कर दूंगा, मेरा प्रोसेस सही हो गया। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, सॉरी रीडिजाइन एंड रीअसेंबली। चलो इसी के साथ मेरा ये पूरा चैप्टर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन डन इन 15 मिनट्स। चलते हैं अगले चैप्टर पे। ओके, प्राइसिंग पॉलिसी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे थ्योरी आएगा। आ जाओ करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट्स दिया हुआ है, तो प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट में आता है। चार मेरे पास मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ऑलिगोपोली। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ बायर्स, इक्वल नंबर ऑफ सेलर्स। यस, ये रहा देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स लिख के आना है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब ऐसा बिजनेस होता है कि यार आराम से कोई भी आ सकता है, जा सकता है। एंड होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब सिमिलर प्रोडक्ट, तो जैसे कि अपना जो यू कैन से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, वैसे सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं। फिर बाद में आ जाता है सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं अपन लोग मोनोपोली यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज आप लोग देख सकते हैं, दैट हियर द पीपल आर द प्राइस टेकर्स, जो मार्केट में चल रहा है उसी हिसाब से होता है। यहाँ पे होते हैं प्राइस मेकर, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, इसीलिए तो वो मोनोपोली एंड फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई। फिर बाद में आता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, थोड़ा मोनोपोली से एक लेवल ऊपर। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स,
बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे कि कॉफी शॉप्स बहुत सारे हैं, बट स्टारबक्स का कॉफी अलग है, बरिस्ता का कॉफी अलग है, कैफे कॉफी डे का कॉफी अलग है, तो उस टर्म्स में थोड़ा प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, बट वहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट होता है। हैवी एक्सपेंडिचर यू आर डन ऑन एक्सपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेलिंग कॉस्ट। और फिर बाद में होता है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में दो मेजर प्लेयर्स होते हैं जो पूरा का पूरा गेम चलाते हैं, जैसे कि कोक एंड पेप्सी हो गया, ओला एंड उबर हो गया, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट हो गया। एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स होते हैं, तो इतना कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री होता है, इतना इजी एंट्री नहीं होता है। इंटरडिपेंडेंस होता है एक दूसरे के ऊपर, कोक ने कुछ ऐड लाया तो पेप्सी भी लाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देयर आर वेरी फ्यू सेलर्स विच आर देयर। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, अभी ये देखो ये सब चीजें ना एग्जाम में आती है, आपको मेन वर्ड्स याद रखने हैं, हेडिंग आपको करके जाना है। जैसे ही आप ये हेडिंग कर लोगे ना बराबर से, आप लोग प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाओगे अपने आंसर को। सो प्राइस कस्टमाइजेशन में चार चीजें याद रखना है, मैं इसको शॉर्टकट में याद रखवाता हूं, PDCT, PCDT, बट आपके ऊपर आपको जैसे याद रखना है। तो प्रोडक्ट लाइन, कस्टमर, पास बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स, टाइम डिफरेंशियल। अब सुनो, अगर क्वेश्चन आया गिव फोर पॉइंट्स ऑफ प्राइस कस्टमाइजेशन, अगर आप लोग ये चार मेन पॉइंट्स का नाम नहीं लिख कर आए, अंदर का कुछ भी लिख कर आओगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। सो बिकॉज फर्स्ट तो उसको हम चाहिए ना मेन हेडिंग आ जाए, दैट्स द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ध्यान से सुन लेना लेक्चर को, एटलीस्ट दो बार सुन लेना, एग्जाम के दिन की सुबह को भी फटाफट से उसको 2 की स्पीड पे भी सुनोगे ना, सब मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स याद हो जाएंगे। प्राइस कस्टमाइजेशन में चार चीज है, प्रोडक्ट लाइन, कस्टमर, पास बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स एंड टाइम डिफरेंशियल। अंदर का आप लोग लिख सकते हो, प्रोडक्ट लाइन मतलब 32 GB का, 64 GB का, 12 कैमरा का, 35 MP कैमरा का, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन होते हैं। कस्टमर पास बिहेवियर, अगर आपने अच्छा कस्टमर पास बिहेवियर दिखाया तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। डेमोग्राफिक्स, अलग अलग लोग से, फॉर एग्जाम्पल सीनियर सिटीजन को अलग प्राइसिंग होता है वो सब। एंड टाइम डिफरेंशियल, सो से मैंने 3 महीने का पेमेंट किया तो मुझे 1000 per month, अगर मैंने एक साथ एक साल का पेमेंट कर दिया तो 800 per month, सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज योर टाइम डिफरेंशियल। तो चारों चीजें आ गए, प्रोडक्ट लाइन आ गया, कस्टमर पास बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स एंड टाइम डिफरेंशियल। फिर बाद में आता है प्राइस सेंसिटिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें टोटल 9 सिस्टम्स है, आपको कोई भी 6 से 7 याद रखना है। सबसे पहले यूनिक वैल्यू इफेक्ट, जितना यूनिक होगा उतना प्राइस सेंसिटिविटी कम होगा। तो अभी मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एटलीस्ट ये जो मेन पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ। यूनिक वैल्यू इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस होगा तो आपके प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाएगा। डिफिकल्ट कंपेरिजन है, देन इन दैट केस आपको सेंसिटिविटी से, प्राइस इलास्टिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर्ड कॉस्ट एंड बेनिफिट, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना ओवरऑल आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट है। संक इन्वेस्टमेंट, अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ और उसके साथ आपका प्रोडक्ट छोटा सा है तो इसके लिए कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा सेंसिटिविटी का। प्राइस क्वालिटी, क्वालिटी की वजह से फर्क पड़ेगा फॉर योर प्राइस। एंड देन लास्ट इज इन्वेंट्री इफेक्ट, तो इसमें से कोई भी 5-6 याद रखना। मेरे हिसाब से यूनिक वैल्यू इफेक्ट याद रखिए आप लोग, शेयर्ड कॉस्ट बेनिफिट याद रखिए, सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस, डिफिकल्ट कंपेरिजन, एंड बेनिफिट, टोटल एक्सपेंडिचर, संक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस क्वालिटी इन्वेंट्री इफेक्ट। तो ये टोटल 9 है, इसमें से 5 to 6 यूनिक वैल्यू, सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस, डिफिकल्ट कंपेरिजन, शेयर्ड बेनिफिट, शेयर्ड कॉस्ट एंड बेनिफिट, टोटल एक्सपेंडिचर, संक इन्वेस्टमेंट, संक क्वालिटी, प्राइस क्वालिटी एंड इन्वेंट्री इफेक्ट। नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर प्राइसिंग मेथड। तो ये प्राइसिंग मेथड में ध्यान में रखना है अपने को, 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है कॉम्पिटेटिव मेथड, एक होता है कॉस्ट बेस्ड मेथड, एक होता है वैल्यू बेस्ड मेथड। जो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव मेथड है, इसमें 2 तरह के रेट्स होते हैं, एक होता है गोइंग रेट, एक होता है सील्ड बिड। गोइंग रेट का मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस हिसाब से आप भी अपने प्रोडक्ट को प्राइस करेंगे। सील्ड बिड का मतलब होता है यू कैन से ऑक्शन के जैसे होता है, जैसे ऑक्शन में है ना ओपन ऑफर होता है, यहाँ पे सील्ड होता है वो चीज। सो एवरीबडी ऑक्शंस इन अ ओपन ऑक्शन, और आपको पता होता है कौन कितना अमाउंट का ऑक्शन कर रहा है। यहाँ पे आपको पता नहीं है किसने कितना अमाउंट भरा है, एवरीबडी हैज गिवन देयर बिड इन अ सील्ड एनवेलप। उसमें से जो लोएस्ट कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी देगा उसको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट प्राइसिंग में 2 होते हैं, एक होता है गोइंग रेट, दूसरा होता है सील्ड रेट। गोइंग रेट का Keep as per what is going on, seal bid based on bidding. फिर बाद में आ जाता है next cost based, full cost, variable cost and variable lump sum. तो यहाँ पे full cost का मतलब हो जाता है कि भाई आप fixed cost भी लोगे, variable cost लोगे, सब ले लोगे। variable cost में खाली variable cost के हिसाब से pricing होगा, lump sum variable मतलब variable plus एक lump sum आप add करके अपना selling price दिखा दोगे वो। तो फिर होता है value based, this is very important, true economic value. तो याद रखना इसमें ये आप लोगों को लिखकर ही आना पड़ेगा, cost of next best alternative प्लस वैल्यू ऑफ डिफरेंस परफॉर्म वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो डेफिनेटली ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू के ऊपर एक प्रैक्टिकल 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन पूछूंगा ही।
पूछूंगा। सो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपको दिया होगा प्लस परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। अगर आपका बेटर है तो आपका प्राइस और बढ़ेगा, आपका कम है तो आपका प्राइस कम होगा। तो कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ डिफरेंस परफॉर्मेंस डिफरेंशियल, एंड देयरफॉर आता है परसीव्ड वैल्यू, वैल्यू दैट कस्टमर अंडरस्टैंड्स दैट दिस प्रोडक्ट विल डिलीवर, दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसके अंदर दो आ गए। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट के ऊपर, विच इज टाइप्स ऑफ प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ रिसेशन एंड प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान रखना, जब भी रिसेशन होगा तो द प्राइसिंग वी विल ट्राई टू सेल इट अबव अ लिटिल मार्जिनल कॉस्ट बट बिलो टोटल कॉस्ट। सो यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, ब्रांड नेम आपका इंटैक्ट रह जाएगा। तो रिसेशन में लोग सोचते हैं कि बंद कर दे अपने बिजनेस को, बंद मत करो, उससे अच्छा जस्ट अबव मार्जिनल कॉस्ट बट बिलो टोटल कॉस्ट बेच दो, जो पैसा खर्चा निकले। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड लेबर भी हो जाएगा, अदरवाइज जंग लग जाएगी उसको। एंड सेकेंड इज ब्रांड नेम विल ऑल्सो रिमेन दैट ओके, चलो दे आर स्टिल फंक्शनिंग। इफ यू नीड टू डू प्राइसिंग बिलो सॉरी सेलिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज यूजुअली डन बाय वेजिटेबल वेंडर्स इन द नाइट बिकॉज दे हैव अ पेरिशेबल प्रोडक्ट। तो इनकेस ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू पेरिश देन इवन यू मे सेल इट बिलो द मार्जिनल कॉस्ट। सो इफ मटीरियल्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज अ प्रोडक्ट व्हाट जियो डिड, in order to popularize they sold it below the their marginal cost. If there are a lot of accumulated stocks, we see 80% year end sale to complement other products at time, the products are sold below marginal cost. So if materials are of perishable nature, to popularize products accumulate stocks, if accumulated stocks are there and to complement some other products. Fir baad mein aa jata hai, next is your pricing methodology. Pricing methodology mein there are two ways, ek hota hai skimming, dusra hota hai penetration pricing. Skimming ka matlab hota hai high price in initial stages of product cycle, usually inelastic demand. Jaise Apple ka product hai, so Apple ka product has inelastic demand. Aap kitna bhi price rakho, public jo usko kharidne wala hai wo kharidega hi kharidega, so inelastic demand. And the other is cover the cost of production. So because huge level of research and development का खर्चा हुआ है, तो अब मेरे को cost of production cover करना है, so I will keep high price in initial stages of product cycle, that is called as skimming policy. फिर बाद में आता है penetration pricing, low pricing for penetration, लो प्राइसिंग फॉर पेनेट्रेशन मतलब मास एंट्री लेना है, जैसे जियो या कोई भी नया प्रोडक्ट होता है, तो अंटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ना हो, तब तक आप स्कीमिंग प्राइसिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओनली एप्पल इज वन प्रोडक्ट विच टुक दैट रिस्क, हाई प्राइस रखता था वो। यहाँ पे डिमांड इज इलास्टिक, अगर आप प्राइस ऊपर नीचे करोगे तो ही कस्टमर लेगा, और देयर इज अ ह्यूज लेवल ऑफ थ्रेट ऑफ कंपटीशन, तब आप पेनेट्रेशन प्राइसिंग यूज करोगे। फिर बाद में आता है स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इसमें तीन प्रोडक्ट है, एक होता है रेवोल्यूशनरी, एक होता है एवोल्यूशनरी, एक होता है मी टू। रेवोल्यूशनरी मतलब टोटली न्यू प्रोडक्ट, कैन क्रिएट इट्स ओन वैल्यू लाइक आईफोन। इवोल्यूशनरी मतलब अपग्रेडेड वर्जन ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट विद सम एक्जिस्टिंग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड मी टू इज द टोटली चीपर वर्जन ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लाइक प्रोबेबली माइक्रोमैक्स और अ कार्बन मोबाइल। प्राइसिंग पॉलिसी में प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट दे दिया तो कुछ उसके वजह से प्राइसिंग कम कर सकते हो, क्वांटिटी डिस्काउंट की वजह से, कैश डिस्काउंट, प्राइस डिस्काउंट एंड ज्योग्राफिक प्राइसिंग की वजह से भी आप लोग कम कर सकते हो। प्राइसिंग ऑफ सर्विस सेक्टर में ध्यान में रखने का, डिस्टिंक्ट प्राइसिंग फॉर ईच कस्टमर, हर कस्टमर का, जब आप सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में हो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो एवरी कस्टमर विल हैव इट्स ओन प्राइसिंग, इनटेंजिबल कॉस्ट एंड प्राइसेस आर रेगुलेटेड। तो दिस इज हाउ द प्राइसिंग पॉलिसी चैप्टर वर्क्स। आई होप आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा। 10 मिनट्स एंड वी आर डन। And the most important chapter for theory, performance measurement and evaluation. सबसे पहले है responsibility accounting. Responsibility accounting का मतलब basically होता है कि भाई देखो, किसी ना किसी को तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना पड़ेगा, अथॉरिटी डेलीगेट करना पड़ेगा। उस बंदे का काम क्या है, टू कलेक्ट समराइज एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अ प्रॉपर मैनर। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को चार फॉर्मेट में डिवाइड किया गया, एक है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ही सिंगल प्रोडक्ट है तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से होता है, आपका एकदम छोटा सा नया स्टार्टअप है तो एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन वैसे होता है, जब आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं तो आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड व्हेन देयर आर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, देन इन दैट केस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से काम होता है। सो इन ऑल देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि भाई किसी को आप काम डेलीगेट करोगे, वो काम डेलीगेट जब होता है तो चार फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, एंटरप्रेन्योर,
वेरी स्मॉल स्टार्टअप, फंक्शनल वन प्रोडक्ट, डिविजनल मल्टीपल प्रोडक्ट, मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उसके चार काम होते हैं, कलेक्शन समराइजेशन रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। चार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसको डिवाइड किया है। एक होता है कॉस्ट सेंटर, दूसरा होता है रेवेन्यू सेंटर, फिर होता है प्रॉफिट सेंटर एंड फिर होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में काम होता है उनका कि भाई जितना कॉस्ट को कम कर सके, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्टिंग का काम है, लेबर कॉस्ट का काम है, तो इनमें जो प्रोडक्शन मैनेजर्स है, लेबर कॉस्ट मैनेजर्स है, इनका काम होता है कि जितना कंजम्पशन और रेट कम ला सके, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। रेवेन्यू सेंटर होता है, कॉस्ट सेंटर के बाद रेवेन्यू सेंटर, जहां पे काम होता है मार्केटिंग का, सेल्स का, जितना अपन लोग इंक्रीज करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। फिर बाद में होता है प्रॉफिट सेंटर, यहाँ पे सीईओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स एंड फॉर द कॉस्ट एंड इंश्योरिंग दैट हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। एंड देन होता है इन्वेस्टमेंट सीईओ, अगर इन्वेस्टमेंट सेंटर, अगर आपको कोई एक्सपांशन करना है तो आपका एज अ सीएफओ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सपांशन के ऊपर जो आप कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं उसके ऊपर रिटर्न इतना मिले कि आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम ना हो। सो चार तरह के कॉस्ट सेंटर्स है, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। डिविजनल परफॉर्मेंस के लिए टोटल मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। नॉन फाइनेंशियल में आता है बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, परफॉर्मेंस प्रिज्म एंड ट्रिपल बॉटम लाइन। अभी फाइनेंशियल मेजर में सबसे पहला है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सेस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स एम्प्लॉयड इन द डिविजन। यहाँ पे अगर मेरे को चाहिए मैं एक फॉर्मूला भी यहाँ पे सीधा का सीधा लिख सकता हूँ। इनफैक्ट रेसिडुअल इनकम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूलाज, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं दैट मेरा जो भी प्रॉफिट है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय माय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न। तो यहां पे मैं लिख दूंगा भाई मेरा जो आरओआई है दैट बेसिकली इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर बाद में आ जाता है मेरा रेसिडुअल इनकम, जो मेरा यहाँ पे रेसिडुअल इनकम है वो आ जाएगा मेरा, ओके वो आ जाएगा मेरा रेसिडुअल इनकम विल बी ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी मेरा ऑपरेटिंग एसेट्स है, जो भी मेरा ऑपरेटिंग एसेट्स है मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, या मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न जो चाहिए, या रिक्वायर्ड रिटर्न। सो रिक्वायर्ड रिटर्न मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग एसेट्स, जो भी मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनली जो बचेगा वो हो जाएगा मेरा रेसिडुअल इनकम। फिर बाद में आता है मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इट इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला इज नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। नोपैट को अगर मेरे को दिखाना है तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, उसमें से मैं टैक्स माइनस करूंगा माइनस टैक्स, फिर बाद में मैं ऐड बैक कर दूंगा इंटरेस्ट, वन माइनस टी विल गिव मी माय नोपैट। माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो तो है इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर बाद में आता है डिबेंचर उसका कॉस्ट है इंटरेस्ट वन माइनस टी, इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस का कॉस्ट है इक्विटी डिविडेंड। सो दैट बेसिकली इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड देन फिर बाद में शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड पहले हुआ करता था, अभी नहीं है। सो ये तीन मेरे फाइनेंशियल मेजर रहेंगे। फिर बाद में आते हैं मेरे नॉन फाइनेंशियल मेजर, उसमें सबसे पहले है मेरा ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन में तीन चीजें हैं, एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, जिसको अपन लोग पीपीपीबी बोलते हैं। एनवायरमेंट स्टैंड्स फॉर प्लैनेट, सोशल स्टैंड्स फॉर पीपल एंड इकोनॉमिक स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। सो एनवायरमेंट इंपैक्ट ऑन रिसोर्सेज एंड वाटर, सोशल रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इकोनॉमिक मतलब अपने को एंश्योर करना है कि अपने को प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है मेंटेनिंग फाइनेंस। सोशल में ध्यान रखना रिलेटेड टू द चाइल्ड लेबर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एवरीथिंग। एनवायरमेंट ध्यान रखना कि भाई मेरा पोल्यूशन कुछ भी नहीं होना चाहिए और मैं पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट डालूंगा। इंपैक्ट ऑन रिसोर्सेज एयर एंड वाटर। फिर बाद में आता है लिंकिंग ऑफ सीएसएफ टू केपीआई। सो हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट विजन होगा, वो कॉर्पोरेट विजन अचीव करने के लिए आपको कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को अचीव करना है तो मेरे को चाहिए, आई हैव टू एंश्योर दैट आई रीच टू माय केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एंड वो अगर मैं रीच कर गया तो मेरे को सीएसएफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स मिल जाएगा। तो ध्यान रखना कॉर्पोरेट विजन, कॉर्पोरेट विजन अचीव करने के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, उसके लिए मेरे पास दो ब्रांचेस है, एक केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एक सीएसएफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर द गोल्स टू बी अचीव एंड केपीआई विल टेल मी हाउ इट इज टू बी अचीव। फिर बाद में आ जाता है मेरा बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है, एक है मेरे चार पर्सपेक्टिव में डिवाइडेड है, एक है फाइनेंशियल, दूसरा है कस्टमर लर्निंग एंड ग्रोथ एंड इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। कस्टमर पर्सपेक्टिव बेसिकली मेरे को बोलता है कि भाई कैसे अपन लोग कस्टमर को बेटर
सेटिस्फेक्शन दे, कैसे रिटेंशन करे, कैसे कस्टमर को लॉयल बनाए, फिर लर्निंग एंड ग्रोथ, यहाँ पे इनोवेशन का बात आता है, क्या नया टेक्नोलॉजी आप यूज करके इनोवेट करते हो सो दैट योर प्रोडक्ट बिकम्स बेटर। फिर आता है इंटरनल बिजनेस ऑपरेशनल मैक्सिमाइजेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यहाँ पे आप अगर आपने अच्छा किया तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल विल बी गुड। फाइनेंशियल में आता है अपना सेल्स, आपका द रेशियोज लाइक योर नेट प्रॉफिट रेशियोज और वो सब चीजें बराबर होनी चाहिए, करंट एसेट रेशियोज है, डेट इक्विटी सही होना चाहिए, सो दिस रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, प्रॉफिट मार्जिन सब सही होगा तो फाइनेंशियली ऑल्सो विल बी गुड। सो चार मेरे बैलेंस स्कोर कार्ड के मेजर्स है, फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल बिजनेस, जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे बस उतना एग्जाम में लेकर आना, सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन, लॉयल्टी है, लर्निंग एंड ग्रोथ में न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनल बिजनेस में ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, फाइनेंशियल में आरओई, प्रॉफिट, आरओ सी, दीज आर द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व। फिर बाद में आ जाते हैं मेरा नेक्स्ट विच इज परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड में ध्यान में रखना कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है कस्टमर, एक होता है एम्प्लॉय। कस्टमर को चाहिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइमली डिलीवरी, अगर उसको टाइमली डिलीवरी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल गया तो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड हो गया तो उसका मार्केट शेयर पे कैप्चर हो जाएगा। दूसरा साइड होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से अपने को चाहिए कि वो जितना भी वेस्ट है उसको रिड्यूस करे, तो साइकिल टाइम उसको रिड्यूस करना है और वेस्ट को उसको रिड्यूस करना है। अगर उसने साइकिल टाइम और वेस्ट को रिड्यूस किया देन हिज प्रोडक्टिविटी विल इंप्रूव। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गया तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली यू विल बी वेरी साउंड एंड फाइनली यू विल बी एबल टू रीच टू योर कॉर्पोरेट विजन। बट ये सब के बीच में यू हैव टू एंश्योर दैट आप जो मार्केट चेंज हो रहा है उस हिसाब से चेंज होते रहे, एंड दैट बेसिकली इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आ गया आप लोगों को? सो एक साइड पे है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दूसरा है टाइमली डिलीवरी जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया मार्केट शेयर आप कैप्चर कर पाएंगे। दूसरा है एम्प्लॉय साइड। एम्प्लॉय साइड से मेरे को चाहिए भाई तू प्लीज एंश्योर कर कि वेस्ट मिनिमाइज करे, तू अपना साइकिल टाइम मतलब एक प्रोडक्ट बनाने को जो टाइम लगता है वो कम लगे ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छा हो। प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा तो कॉस्ट कम, फाइनेंशियल इंपैक्ट उसके ऊपर अच्छा आएगा, कॉर्पोरेट विजन आएगा, वी विल बी एबल टू अचीव। एंड बीच में आता है मेरा फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजिंग टाइम के हिसाब से आई विल हैव टू चेंज। फिर बाद में आता है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये पॉइंट्स याद रखने बहुत जरूरी है। तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बोलता है कि भाई देखो हमने जो मेजर तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना है सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यूज होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड्स के ऊपर, डायमेंशन रिवॉर्ड्स के ऊपर एंड डायमेंशन एंड रिवॉर्ड्स के ऊपर। स्टैंडर्ड मतलब आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दोगे कि भाई देखो कुछ भी हो जाए, यहाँ पे मैं पहले स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस करता हूं, ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस करता हूँ। स्टैंडर्ड्स में तीन चीजें हैं कि भाई देखो सबसे पहले उसको काम दो अचीवेबल, फिर बाद में उसको दे दो ओनरशिप कि भाई चल जा अभी तू तेरे हिसाब से काम कर, और इक्विटी मतलब इक्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए जिस हिसाब से आप सैलरी पे कर रहे हो। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स में पहला है अचीवेबल, दूसरा है ओनरशिप, तीसरा है इक्विटी। फिर बाद में आ जाता है डायमेंशन। डायमेंशन में दो पार्ट होता है, एक होता है रिजल्ट्स, एक होता है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट मतलब आप कैसा काम कर रहे हो, क्वालिटी कितना आपके काम में, फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, इनोवेशन कितना है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन आप बराबर कर रहे हो कि नहीं। अगर आपने ये चार चीजें कर ली बराबर देन आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड आपका कंपेटिटिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर अपन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया देन इन दैट केस मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। क्या रिवॉर्ड चाहिए एम्प्लॉय को? तीन रिवॉर्ड चाहिए, मोटिवेशन, क्लियर कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलेबिलिटी। मतलब उसको जो भी आप रिवॉर्ड देने वाले हो दैट शुड बी ऑन द बेस्ड ऑन द कंट्रोलेबल फैक्टर्स विद इन हिज लिमिट्स। सो तीन चीज क्या हो गई मेरी, स्टैंडर्ड्स, डायमेंशंस, रिवॉर्ड्स। स्टैंडर्ड्स तीन तरह के मेरे को सेट करने हैं। क्या पहला आएगा वो अचीवेबल, अचीवेबल काम कर दिया फिर उसको ओनरशिप दो और इक्वल काम करवाओ। फिर बाद में आ गया मेरा डिटरमिनेंट्स, चार टॉप क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी QFIR, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वो हो गया तो मेरे को रिजल्ट्स मिलेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस, वो हो गया तो मैं उसको रिवॉर्ड दे पाऊंगा। मोटिवेशन, क्लियर कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलेबिलिटी। सो आई होप ये अपने को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आता है परफॉर्मेंस प्रिज्म। परफॉर्मेंस प्रिज्म में देखो फोकस होता है ऑल स्टेक होल्डर्स के ऊपर। जब मैं ऑल स्टेक होल्डर्स बोलता हूँ तो यहाँ पे इन्वेस्टर, कस्टमर, इंटरमीडियरी, एम्प्लॉय, रेगुलेटर, सप्लायर, गवर्नमेंट सब आ गए। तो मेरा यहाँ पे फोकस रहता है कि भाई मैं सबसे पहले स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करूँ, मैं सबसे पहले स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करूं। अगर स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड है देन इन दैट केस मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगा कॉन्ट्रीब्यूशन। सो याद रखना ये दोनों कनेक्टेड है। तो स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड है तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड है तो कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करेगा। बट वो स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हो
तो अपन बोलेंगे भाई चल स्टेक होल्डर तू भी कंट्रीब्यूट कर, जैसे एम्प्लॉय को बोलेंगे तू एक्स्ट्रा काम कर, गवर्नमेंट को बोलेंगे अच्छे सर्विसेज दो, सप्लायर को बोलेंगे क्वालिटी रॉ मटेरियल दे। सो पहले स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करो, फिर स्टेक होल्डर से कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करो। बट इस बीच में तीन चीजें ध्यान देनी है, स्ट्रेटेजीज प्रोसेसेस केपेबिलिटीज अपनी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज प्रोसेसेस केपेबिलिटीज अपनी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजाइज दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन, प्रोसेसेस शुड बी सेट एंड आई शुड बी केपेबल इनफ टू मैनेज पीपल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से मेरे जो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स है, परफॉर्मेंस पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एंड परफॉर्मेंस प्रिज्म, तीनों तरह से पूरे कंप्लीट हो गए हैं। फिर बाद में लास्ट आता है मेरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन अ एनपीओ। एनपीओ का परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए दो तरीके, एक होता है वैल्यू फॉर मनी और दूसरा होता है एडाप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। वैल्यू फॉर मनी में तीन ई आता है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी। याद रखना, एफिशिएंसी का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट, इफेक्टिवनेस का डिजायर्ड मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये वर्ड दिख रहा है, इकोनॉमी का मैक्सिमम क्वालिटी विद लोएस्ट कॉस्ट। सो अगर मेरे को वैल्यू फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन एनपीओ करना है तो वैल्यू फॉर मनी एंड एडाप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। वैल्यू फॉर मनी में तीन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। एफिशिएंसी मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम इनपुट, इफेक्टिवनेस डिजायर्ड मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमी मैक्सिमम क्वालिटी देना है विद लोएस्ट कॉस्ट। एडाप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड में चार चीजें, कस्टमर, फाइनेंस, इंटरनल बिजनेस एंड इनोवेशन एंड लर्निंग। तो इसी के साथ होता है मेरा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आई होप आप लोगों को सब की पॉइंट्स याद में आ गया होगा, फॉर्मूला याद में आ गया होगा एंड वी विल बी अप्लाई इट इन द बेस्ट मैनर। एंड चलते हैं चैप्टर नंबर वन पे, पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर ही है ये, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट अपना हो जाएगा ये। सी हियर, सबसे पहले कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट जो मैनेजमेंट है उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, एक है ना केस स्टडी, डाइजेस्ट का एक केस स्टडी है, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, टेल द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये भी करना बराबर से जरूरी है। सबसे पहला शॉर्ट टर्म आउटलुक है, लिमिटेड फोकस ऑन रिवाइजिंग एंड इम्प्रोवाइजेशन, मतलब जो अपने को नया चीज करना है, शॉर्ट टर्म आउटलुक है, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं, इग्नोर डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स, एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, खाली कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस है, वैल्यू क्रिएशन पे फोकस नहीं है, इग्नोर कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, एंड इट्स अ रिएक्टिव अप्रोच। एक होता है प्रोएक्टिव अप्रोच कि आप पहले से ही कुछ अच्छा करो, आप यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हो, मतलब किसी कॉम्पिटिटर ने कर दिया फिर आप करने जाओगे तो आप बहुत लेट हो जाओगे। तो शॉर्ट टर्म आउटलुक, लिमिटेड फोकस ऑन रिविजन एंड इम्प्रोवाइजेशन, इग्नोर डायनामिक्स एंड मार्केटिंग ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स, फोकस एक्सेसिव ऑन कॉस्ट रिडक्शन, रिएक्टिव अप्रोच है, इग्नोर कॉम्पिटिशन एंड मार्केट ग्रोथ। अब यहाँ पे अपने को समझ गया कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट तो अच्छा नहीं है, तो हम जाते हैं SCM के ऊपर, विच इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे तीन चीजें, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। सो सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जिससे आपको रेगुलर प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा मिलते रहेगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है विच इज वेरी यूनिक इन द मार्केट, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो जिसका। एंड देन थर्ड इज कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट एकदम लोएस्ट होना चाहिए। इसके चार स्टेजेस होते हैं, फॉर्मुलेशन, कम्युनिकेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड लास्ट एंड नेसेसिटी। क्यों चाहिए अपने को स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट? बिकॉज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कॉस्ट इन अ बेटर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, यूज स्ट्रेटेजिकली, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर, मैनेजरियल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओवरऑल रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। फिर बाद में इसमें तीन कंपोनेंट्स है बेसिकली SCM के। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, यहाँ पे अपने को तीन चीजों पे ध्यान देना है, इंटरनल एनवायरमेंट कैसा है अपना, एम्प्लॉयज है जो भी अपने साथ काम कर रहे हैं दे शुड बी हैप्पी, एक्सटर्नल एनवायरमेंट कैसा है अपना, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, ये सब एनवायरमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वैल्यूज एंड सिस्टम शुड बी इन प्लेस। तो तीन कंपोनेंट्स है ऑफ SCM, याद रखना। एग्जाम में अगर थियरी आया तो ये लिख कर रहना है, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड सिस्टम। फिर आपने आता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, इसमें दो है, एक है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, एक होता है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। और फिर होता है वैल्यू चेन एनालिसिस, इसमें दो पार्ट होती है, एक होता है प्राइमरी एक्टिविटी, एक होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में पांच होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, सेल्स सर्विसेज, मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल्स। एंड सेकेंडरी में होता है प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। तो ये मेरा दोनों वैल्यू चेन एनालिसिस के डिफरेंसेस है। तो प्राइमरी में इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड सेल्स, मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल्स, सेकेंडरी में प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये पार्ट होता है मेरे वैल्यू चेन एनालिसिस का। फिर आपने आता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, उसमें सबसे पहले है मेरा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें आता है मेरा पोर्टर्स फाइव फोर्सेस। तो पांच पोर्टर्स के फाइव फोर्सेस एनालिसिस, सबसे पहला है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, कोई भी नया आ रहा है तो क्या इजिली आ सकता है क्या, तो वो अपने को ध्यान में रखना है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स एंड थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट। सो दो है, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस एंड थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर एंड राइवलरी अमंग द
करंट प्लेयर्स। फिर बाद में आता है इसमें कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, किसका कर रहे हैं अपन लोग, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। पहला इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड राइवलरी अमंग्स द कॉम्पिटिटर्स। फिर बाद में आता है कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, क्या मैं रिसोर्सेज यूज करके वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ अपने कस्टमर के लिए, एंड व्हाट आर द कैपेबिलिटीज दैट आई कैन डेवलप फॉर माय एम्प्लॉयज, एंड लास्ट सेगमेंटेशन एनालिसिस, जिसके थ्रू इट विल हेल्प मी टू अचीव अ सुपीरियर परफॉर्मेंस, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। सो ये चार चीजें मेरे को एंश्योर करनी है दैट आई विल गेट क्या, सुपीरियर परफॉर्मेंस, कॉस्ट लीडरशिप जो अपन लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस। तो दीज आर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस यहाँ पे पढ़ा था, विच इज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ SCM, जिसमें स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज भी आता है, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर भी आता है, वैल्यू चेन एनालिसिस प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, आफ्टर सेल्स, सेकेंडरी में प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट एंड फाइनेंस आता है। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस में सबसे पहला इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें आता है मेरा पोर्टर्स फाइव फोर्सेस, पांचों फोर्सेस अपने को बताया, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर एंड लास्ट इज राइवलरी अमंग्स द करंट प्लेयर्स। फिर आता है कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, इसमें दो है रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, एंड लास्ट है मेरा सेगमेंटेशन एनालिसिस, जिसमें मेरे को SCM का जो मेन तीन चार पॉइंट है वो लिखना है। फिर आता है BCA फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, अगर मेरे को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज चाहिए देन वैल्यू चेन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस में मेरे को देखना है कि भाई कौन सी चीज है जो वैल्यू क्रिएट कर रही है, अगर वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही है, नॉन वैल्यू एडेड है तो उसको रिमूव कर दो। फिर बाद में वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, कि आपको अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का एनालिसिस करना है कि ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई एक्टिविटी है जिससे आपका और कोई आप एक्टिविटी या कोई और बिजनेस सॉल्व कर सकते हो, विच इज कैन बी अपस्ट्रीम टू योर एक्टिविटी और डाउनस्ट्रीम, वो भी आप देख सकते हो, सप्लाई एनालिसिस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल लिंकेज। एक होता है इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस एंड लास्ट इंटरनल डिफरेंशिएशन, आप क्या बेटर दे सकते हो कस्टमर को जिससे उसको वैल्यू क्रिएट हो एंड जिससे आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्रिएट हो सके। सो VCA स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऊपर था, ये VCA फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, इसमें इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। विद दिस वी कंप्लीट चैप्टर नंबर वन, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने डन। अब अपन करेंगे बजटरी कंट्रोल चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज कभी कभी इसमें से थ्योरी आ जाता है 20 मार्क का, तो आओ करते हैं फटाफट। बजट का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, एंड कंट्रोल कैसे करना है उसको, कि भाई आपको कुछ ना कुछ गोल्स रखना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा रेगुलरली, सो दैट यू अचीव द बजटरी टारगेट्स। टाइप्स ऑफ बजटरी कंट्रोल में दो होता है, एक होता है फीडबैक, एक होता है फीड फॉरवर्ड, दोनों के ऊपर प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। तो फीडबैक का मतलब कंट्रोल एक्टिविटी टेक्स प्लेस आफ्टर अ प्रोसेस इज कंप्लीट, ध्यान से सुनना, आफ्टर अ प्रोसेस इज कंप्लीट, फोरसी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू इंश्योर दैट फाइनल आउटपुट इज एज एक्सपेक्टेड। तो मैंने ये सेशन लेने के लिए आप लोग से पहले फीड फॉरवर्ड लिया, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोग ने मुझे एक फीड फॉरवर्ड दिया दैट यस सर वी वांट टू अटेंड दिस सेशन एंड मतलब आप प्लीज ये लेक्चर बनाइए, एंड देन फिर बाद में ये बनाया, तो क्या हो रहा है ये फीड फॉरवर्ड, बराबर है। अब आप लोग तो फीड फॉरवर्ड के बेसिस पे मैंने ये लेक्चर लिया, अब आप लोग को फीडबैक देना, आपको ये सेशन कैसा लगा ऑन द कमेंट बॉक्स, तो चलो आ जाओ। सो फीडबैक, रिएक्शन आफ्टर एन एक्शन हैज टेकन प्लेस, मूवमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट, सो जो भी आपने प्लान किया था अब एक्चुअल जो भी है उसके बेसिस पे आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, एक डिटेक्टिव टूल है, यहाँ पे आपका फोकस आउटपुट के ऊपर होता है, पॉइंट आउट करेक्ट इम्प्रूव, पॉइंट आउट एंड करेक्ट, जो भी चीज आप गलत हो रही है उसको करेक्ट करना है इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस को। फीड फॉरवर्ड क्या है, प्रोएक्टिव मैकेनिज्म है, फोरकास्टिंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान आउटकम्स एंड एक्शन इंप्लीमेंट बिफोर द इवेंट। प्रोग्रेसिव या इसको बोल सकते हो आप प्रिवेंटिव टूल है, कुछ गलती होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा, आपने जैसे सजेशन दे दिए सर ये एटलीस्ट थियोरी चैप्टर्स क्या फटाफट रिवीजन करवा दो, तो मेरे को पता चल गया कि भाई ये करवाना ही है मेरे को, फोकस इनपुट के ऊपर है, प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज, यहाँ पे आफ्टर इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, ये सब लिख कर आना है आपको एग्जाम में, डिटेक्टिव टूल, प्रिवेंटिव टूल, मूवमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्लान्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, एंड यहाँ पे बिटवीन प्लान्ड आउटकम्स, ठीक है। सो ये आता है आपका फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। अब सर्कमस्टांसेस वेयर टॉप डाउन बजट सेटिंग इज प्रेफरेबल, जहां पे पार्टिसिपेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, वेयर पार्टिसिपेशन बाय इटसेल्फ इज नॉट एडिक्वेट इन एंश्योरिंग कमिटमेंट,
तो काम का नहीं है भाई। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिमिट द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्टिसिपेशन करने को बोला देन इन दैट केस हो सकता है एम्प्लॉइज तो सही तरीके से बजट ना बनाए। प्रोग्राम हाईली प्रोसेस इज हाईली प्रोग्रामेबल, तो उसके लिए तो फिर अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रोग्रामेबल है तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा प्रोसेस। एंड वेयर द फर्म हैज लार्ज नंबर ऑफ होमोजीनियस यूनिट्स एंड ऑपरेटिंग अ रिलेशनशिप स्टेबल एनवायरमेंट, होमोजीनियस मतलब सेम काइंड ऑफ यूनिट्स ही बन रहे हैं, स्टेबल एनवायरमेंट है, देन इन दैट केस आपको पार्टिसिपेटिव की जरूरत नहीं, आप टॉप डाउन रखेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, टॉप डाउन और पार्टिसिपेटिव का यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है दैट बजट्स आर प्रिपेयर्ड सेंट्रली, सबॉर्डिनेट हैव लिटिल इन्फ्लुएंस, इन्वॉल्व्स लेस मैनेजमेंट टाइम, बट इसमें इनएक्यूरेट बन सकते हैं बिकॉज टॉप डाउन को ऑपरेशनल लेवल पे क्या काम हो रहा है उसका आइडिया नहीं होता है। फिर बॉटम अप, यहाँ पे सबॉर्डिनेट मैनेजर्स पार्टिसिपेट इन प्रेपरेशन ऑफ देयर ओन बजट्स, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड बजट स्लैक मतलब आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व, टाइम लोग लेके आप बनाओगे, हो सकता है आप कुछ गलत बना दो उसमें, फिर बाद में आप बनाओगे उसके बाद टॉप लेवल के पास जाएगा वो अश्योरिटी देंगे फिर फाइनली इंप्लीमेंट होगा। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब क्या क्या है दोनों का, यहाँ पे बजट सेंट्रली प्रिपेयर होता है, सबॉर्डिनेट हैव लिटिल इन्फ्लुएंस, यहाँ पे सबॉर्डिनेट मैनेजर्स पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑफ देयर ओन बजट, तो खुद अपना बजट बनाते हैं। थ्री स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बजट कॉन्स्ट्रेंट, प्रॉफिट कॉन्शियस, नॉन अकाउंटिंग। बजट कॉन्स्ट्रेंट लकीर का फकीर, लकीर का फकीर मीन्स ही विल फॉलो ओनली व्हाट इज गिवन इन द बजट, सो इफ बजट सेज 1,000 रुपीज का एक्सपेंसिव शुड हैव बीन इंकर्ड, ही विल इंकर ओनली 1,000 रुपीज, नो मोर नो लेस, इवन इफ इट इज समथिंग से 100 रुपीज एक्स्ट्रा इज गिविंग अ बेटर क्वालिटी, स्टिल विल नॉट डू दैट बिकॉज इज बजट कॉन्स्ट्रेंट। प्रॉफिट कॉन्शियस इज अ बैलेंस्ड पर्सन हु टेक्स इनटू अकाउंट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी एस्पेक्ट, एंड नॉन अकाउंटिंग इज लाइक अ क्वालिटी वाला, ही इज फोकसिंग ओनली ऑन द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय वर्क लाइफ बैलेंस, क्वालिटी एस्पेक्ट के ऊपर उसका फोकस है। तो यहाँ पे बजट कॉन्स्ट्रेंट का इन्वॉल्वमेंट विद कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जॉब रिलेटेड टेंशन उसको बहुत ज्यादा है, मतलब उसको चाहिए कि भाई जस्ट डू व्हाट इज सेड इन द बजट। मैनिपुलेशन हो सकता है टू इंश्योर दैट इफ इफ दे वांट टू अचीव द बजट, सप्लायर है, कलीग्स है, वो लोग को उससे कोई लेना देना, दे है पुअर रिलेशनशिप। एग्जैक्टली ऑपोजिट नॉन अकाउंटिंग में होता है, यहाँ पे देखो गुड है, यहाँ पे गुड है रिलेशनशिप, मैनिपुलेशन करने का चांसेस कम है बिकॉज वो तो वैसे भी क्वालिटी के ऊपर रिलाई कर रहा है। प्रॉफिट कॉन्शियस इज लाइक अ बैलेंस वन, सो वो आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो। फिर बाद में यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में देखो, जैसा मैंने बोला था तीन है, बजट कॉन्स्टेंट, प्रॉफिट कॉन्शियस एंड नॉन अकाउंटिंग। बजट कॉन्स्टेंट फुल्ली फोकस्ड ऑन बजट प्रिपेयर्ड एंड शॉर्ट टर्म फोकस, यहाँ पे इफेक्टिवनेस पे, यहाँ पे क्वालिटी पे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे फोकस होता है। प्रॉफिट कॉन्शियस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ यूनिट्स ऑपरेशन इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड यहाँ पे फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, एम्प्लॉय वर्क लाइफ बैलेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसा मैंने बोला था। फिर आप आ जाते हैं बियॉन्ड बजटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, सुटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, कितनी बार आ चुका है अपन सबको पता है, ये बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है वो आ सकता है। बियॉन्ड बजटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अडेप्टिव मैनेजमेंट, जिसमें लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस आ सकते हैं, बट उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग को अपन लोग फटाफट कर लेते हैं। सो मोर टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बियॉन्ड बजटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि भाई टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए। रोलिंग बजट मतलब बजट्स रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहे बेस्ड ऑन द करंट एनवायरमेंट, बेंचमार्किंग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपन लोग बजट्स में। हियर द फोकस इज कैन बी सॉरी हियर द फोकस ऑफ मैनेजर्स शिफ्ट टू इंप्रूव फ्यूचर रिजल्ट्स, पूरा फोकस इनका फ्यूचर के ऊपर होता है, सो फ्यूचर रिजल्ट्स अपने को इंप्रूव करना है। अलाउ ऑपरेशनल मैनेजर्स टू रिएक्ट टू द एनवायरमेंट, सो बहुत ज्यादा टॉप डाउन अप्रोच नहीं रखना है, पार्टिसिपेटिव रखना है। एंकरेज अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, सो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है बियॉन्ड बजटिंग के लिए। टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बजट सॉरी रोलिंग बजट्स में इनकॉर्पोरेट द केपीआई, बेंचमार्किंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, फ्यूचर के ऊपर फोकस होना चाहिए, मैनेजर्स कैन रिएक्ट टू द एनवायरमेंट, इनोवेशन का कल्चर होना चाहिए। सुटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बजटिंग एक्जैक्टली यही वर्ड लिखकर आना है, रैपिड चेंजिंग इंडस्ट्रीज जो है बियॉन्ड बजटिंग यूज करो, TQM जो यूज कर रहे हैं बियॉन्ड बजटिंग यूज करो, अंडरगोइंग रेडिकल चेंज लाइक BPR बियॉन्ड बजटिंग यूज करो। क्या बोला फटाफट, रैपिड इंडस्ट्री चेंज, रेडिकल चेंज लाइक BPR यूजिंग TQM, बिंदास यूज करो बियॉन्ड बजटिंग। बेनिफिट्स क्या क्या है, हेल्प्स टू मैनेज वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू बीट द कॉम्पिटिशन, सो भाई कोऑर्डिनेशन में काम आता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम विच प्रोवाइड्स फास्ट एंड ओपन इन्फॉर्मेशन, एलिमिनेट्स बिहेवियरल इश्यूज बाय मेकिंग रिवॉर्ड्स टीम बेस्ड, सो टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स इज व्हाट इज प्रोवाइडेड, मोटिवेशन है, कस्टमर ओरिएंटेड टीम एक अपना सेट हो जाता है, सो ऑल ऑफ दिस हेल्प्स इन बियॉन्ड बजटिंग। तो आपको तो खाली थीम वर्ड याद रखना है,
कस्टमर ओरिएंटेड टीम, एलिमिनेट बिहेवियरल इश्यूज, इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन टू बीट द कॉम्पिटिशन, एंड लास्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है मुझे लग रहा है वो अब मैं करवा रहा हूं, उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है. सो बियॉन्ड बजटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अडॉप्टिव मैनेजमेंट, इसमें दो है, लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस. एक है कोएट पी, दूसरा है आरटीपी, R3P1P2. कोएट पी में क्या है, कोएट पी मतलब कनेक्ट टू कस्टमर नीड्स. So here we are, connect to customer needs, strong organizational culture, shared values and sound judgment, autonomy, transparent and purpose. तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. So C, connect to customers. तो ये तो I think easy है. इसका explanation ICAI ने भी कहीं नहीं दिया, तो आपको खाली ये full form याद रखना है. That's it. So connect to customers needs. C, O, organizational values. V, shared values and sound judgment. A, autonomy. T, transparent. And P, purpose. And वहाँ पे R टीपी याद रखना है अपने को. सो ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट प्रोसेसेस अराउंड बिजनेस रिदम्स, रिवॉर्ड शेयर्ड सक्सेस, रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल, टारगेट शुड बी अचीव, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड प्लान एंड प्रॉपर फोरकास्ट. सो R3T1P2. सो R3T1P2 आरटीपी से आपको याद आ जाएगा मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या, आर रिदम्स, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोसेसेस अराउंड बिजनेस, मैनेजमेंट प्रोसेस अराउंड बिजनेस रिदम्स, रिवॉर्ड शेयर सक्सेसेस, मेक रिसोर्सेज अवेलेबल जब जब चाहिए, टारगेट्स टी, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पी, एंड अनदर है फ्लेक्सिबल प्लान एंड फोरकास्ट. सो कोवैट पी, R3T P2. गॉट इट एवरीबॉडी? सो ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज आई फील ये एग्जाम में आ सकता है. सी स्टैंड फॉर अगेन कस्टमर नीड्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वैल्यूज एंड जजमेंट. ए ऑटोनॉमी, ट्रांसपेरेंट, पर्पज, रिदम्स, रिवॉर्ड्स, resources, targets, performance evaluation and plan and forecast. So I hope ये आप लोग को समझ में आ गया होगा. And with this we complete all the major theory expected parts of budgetary control. चलो अब अपन लोग आते हैं chapter number 2 which is very important modern business environment. इसमें से भी theory questions आते रहते हैं regularly. So we should know what are the main points. सबसे पहले है cost of quality. आज तक इसके ऊपर अभी तक theory इतना आया नहीं है, तो आ सकता है. एक होता है cost of good quality, एक होता है cost of bad quality. Now when I say cost of good quality, इसमें होता है prevention cost and appraisal cost, and then फिर cost of poor quality में आता है internal failure और external failure. When you say cost of good quality में prevention cost होता है मतलब before production वाली चीजें, appraisal cost मतलब during production वाली चीजें, जैसे quality engineering, quality review, quality training, ये सारा prevention cost में मेरा included होता है. And then फिर बाद में appraisal cost में आता है inspection, packaging. Just a moment. हाँ, यहाँ पे आ जाता है मेरा इंस्पेक्शन, पैकेजिंग, सप्लाई वेरिफिकेशन बराबर से हुआ है कि नहीं, इंटरनल फेलियर में आ जाता है मेरा आफ्टर प्रोडक्शन बट बिफोर सेल, रिवर्क, स्क्रैप एंड रिपेयर, एंड एक्सटर्नल फेलियर में आ जाता है आफ्टर सेल, वारंटी, डिस्काउंट ड्यू टू डिफेक्ट्स. तो ये हो गया मेरा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. फिर बाद में आ जाता है मेरा TQM. TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. टोटल मतलब ऑल द एम्प्लॉइज फ्रॉम ऑल द लेवल्स, क्वालिटी मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट मतलब इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज गोइंग इन अ प्रॉपर मैनर. इसमें सिक्स चीज है जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पूछ चुकी है, तो देखो ऐसा कुछ चीज आया तो आपको ये सब वीडियोस काम आएगा. कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस एंड कंट्रोल. अब PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट, याद रखना. डीमिंग पॉइंट में एटलीस्ट 6 पॉइंट पता होना चाहिए. इन्वॉल्व एवरीवन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एजुकेशन फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, सिंगल सप्लायर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. तो ये 5 याद रखने का, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सिंगल सप्लायर, इन्वॉल्व एवरीवन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए. जितना आप लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोगे उतना वो अच्छा करेगा. एक ही सप्लायर होना चाहिए जिसके पास से सब मेरा माल है, क्वालिटी पता चलेगा अपने को. इन्वॉल्व एवरीवन एंड इंश्योर द एजुकेशन इज यूज्ड फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट. एंड देन फिर बाद में आ जाते हैं बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल के ऊपर. सो यहाँ पे क्वालिटी प्रिंसिपल्स, क्यों? सो दैट एफिशिएंसी इंक्रीज हो, वेस्ट कम हो जाए एंड एम्प्लॉय एक्सेलेंस बढ़ जाए. तो इस में EFQM है, बॉलरेज मॉडल होता है. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज है, तो ये देखो ये फंडामेंटल EFQM से रिलेटेड है. तो याद रखना DER, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट. सो अगर आपका डायरेक्शन प्रॉपर लेवल पे है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने सोचा है कि भाई आज मेरे को 5 चैप्टर करने हैं, तो डायरेक्शन सही है. एग्जीक्यूशन एक्चुअली आप बैठ के आपने कर लिया, रिजल्ट थोड़ा आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपका फंडामेंटल सही है. तो डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट याद रखना इज द न्यू फंडामेंटल ऑफ EFQM. फिर बात में आते हैं रडार. रडार का मतलब होता है रिजल्ट. अगर आपका नेगेटिव आया है, अब आपका अप्रोच सुधारो, RA. फिर बाद में D स्टैंड्स फॉर डिप्लॉय रिसोर्सेज. अपना आपको टेस्ट दो, असेस करो अपने आपको, और फिर बाद में रिफाइन करके
यू विल इंप्रूव। तो आर कहां से स्टार्ट होता है? रिजल्ट से स्टार्ट होता है। रिजल्ट अप्रोच आर ए डी डिप्लॉय रिसोर्सेज, ए असेस योरसेल्फ एंड रिफाइन योरसेल्फ। फिर बाद में कुछ एडिशनल फंडामेंटल्स के कुछ पॉइंट्स है, लीडरशिप, पीपल, स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप, रिसोर्सेज, ये इन जनरल पॉइंट है कि भाई अगर आपको ईएफक्यूएम मॉडल अप्लाई करना है देन इन दैट केस, सॉरी देन इन दैट केस आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। लीडरशिप, पीपल, स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप, प्रोसेस, प्रोडक्ट, पीपल, कस्टमर, सोसाइटी एंड बिजनेस। चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज योर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट में ये जो फाइव स्टेप डायग्राम है ये एग्जाम में थ्योरी में पूछते ही पूछते अगर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आया तो सबसे पहला जो इसमें है वो है आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट। ठीक है, ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना कि भाई क्या कॉन्स्टेंट है। दूसरा एक्सप्लॉइट, मतलब अभी क्या इसमें गड़बड़ रह रहा है, कहाँ पे कॉन्स्टेंट रह रहा है वो समझने की कोशिश करो। सबॉर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज, उसको अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करो। एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट एंड रिपीट द प्रोसेस। हो सकता है एक कॉन्स्टेंट निकल जाए, दूसरा खड़ा हो जाए तो दूसरे के लिए आप ये चीज करो, तीसरा हो जाए तीसरे के लिए ये चीज करो। तो सबसे पहले आपका काम है आइडेंटिफाई करो, एक बार आइडेंटिफाई कर दिया उसको एक्सप्लॉइट करो कि भाई क्या प्रॉब्लम है उसमें, कैसे उसको इंप्रूव करना है। सबॉर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज, एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट एंड फाइनली रिपीट द प्रोसेस। ये फाइव स्टेप डायग्राम अगर आप लोग यूज कर लोगे देन इन दैट केस आपका थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स का थ्योरी हो गया। फिर आगे आ जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 मार्क का क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ चुका है। सो याद रखना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेसेस। की बिजनेस प्रोसेस में सब आ गया, पहले स्टार्ट होता है प्रोडक्शन, फिर परचेस, फिर मटेरियल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर, आफ्टर सेल्स, ये सारी चीजें आपको लिखकर आना है। क्या प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेस, मार्केटिंग, सेल्स, आफ्टर सेल्स, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस आर की बिजनेस प्रोसेसेस फ्रॉम सप्लायर टू एंड यूजर। फिर बाद में इसमें दो होता है टाइप्स, एक होता है टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन में पुल मैनेजमेंट एंड पुश मैनेजमेंट। पुश स्ट्रेटेजी मतलब आप यू विल प्रोड्यूस इन एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स डिमांड। पुल स्ट्रेटेजी में यू विल प्रोड्यूस ओनली ऑन रियल कस्टमर्स डिमांड। फिर बाद में आता है आपका अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका रिलेशनशिप विद सप्लायर्स चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपस्ट्रीम मतलब सप्लायर से रिलेटेड सारी चीजें, डाउनस्ट्रीम मतलब कस्टमर से रिलेटेड सारी चीजें। रिलेशनशिप विद सप्लायर, सप्लायर स्ट्रेटेजी, सोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अपने पास सप्लायर के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, कहाँ कहाँ से अपन लोग सप्लायर से रॉ मटेरियल्स मंगवा रहे हैं, नंबर ऑफ सप्लायर्स, अगर अपने बल्क परचेस किया तो कितना डिस्काउंट है। सबसे इंपॉर्टेंट सप्लायर में होता है कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी अच्छा होना चाहिए। मेक और बाय करना है वो अपने ऊपर डिसीजन लेना है अपने को बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एप्लीकेशन। सप्लाई चेन में आप टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग ई प्रोक्योरमेंट, जिसमें ई परचेसिंग, ई सोर्सिंग एंड ई पेमेंट तीनों चीजें आ जाती है। तो सबसे पहले सप्लायर का एक अच्छा रिलेशनशिप अपने को सेट करना है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना है। स्ट्रैटेजी बन गया, try to source best raw material from all over the world but ensure that there is cost benefit, there is top quality and speed of delivery is reasonably good. Make or buy करना है वो आपका decision है, वो आपको देखना है। Technology कैसे use कर सकते हो, by ensuring e-purchasing, e-procurement, e-purchasing, e-sourcing, जैसे इंडिया मार्ट के थ्रू आप ई सोर्सिंग कर सकते हो, ई परचेसिंग एंड ई पेमेंट। फिर आते हैं डाउनस्ट्रीम सप्लाई मैनेजमेंट, जिसके अंदर सप्लायर कस्टमर आ जाता है। कस्टमर को आप कैसे बेनिफिट दे सकते हो या कैसे ढूंढ सकते हो, थ्रू इंटरनल मार्केट है, रिफरल मार्केट है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी होता है आजकल, रिक्रूटमेंट मार्केट, सप्लायर मार्केट एंड कस्टमर मार्केट। सो कस्टमर तो कस्टमर के थ्रू और लोगों को बोलेगा, एक इंटरनल मार्केट अपने इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए, रेफरल मार्केट किसी को रेफर किया तो इन्फ्लुएंस, किसी से इन्फ्लुएंस होके मैं बोल रहा हूँ यार सचिन तेंदुलकर यूज कर रहा है तो मैं भी यूज करूंगा, रिक्रूटमेंट मार्केट एंड सप्लायर मार्केट। एंड देन फिर आपने आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको कस्टमर का बिहेवियर देखना है, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, लाइफ टाइम वैल्यू कितना मिल रहा है अपने को, अभी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के लिए ध्यान रखना है, कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एक्सटेंशन। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। क्या कि अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा रखना है देन वी हैव टू डू एनालिसिस ऑफ कस्टमर्स बिहेवियर। कस्टमर का बिहेवियर के बेसिस पे अपने को पता चलेगा वेदर ही लाइक्स द प्रोडक्ट और नॉट, एंड देन फिर अपने को अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो कस्टमर लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को मेरा कस्टमर लाइफ टाइम तक रिटेन करना है तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। कस्टमर कौन सा है, सिलेक्ट, एक्विजिशन, रिटेंशन, एक्सटेंशन, सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एक्सटेंशन। सो आई होप ये आपको सारे मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के क्लियर हो गए होंगे। इफ इट कम्स यू हैव टू राइट दिस डाउन अकॉर्डिंगली। एंड द चैप्टर फोर कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इसमें दो मेन स्टार्ट होते हैं, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एक कॉन्सेप्ट, टारगेट कॉस्टिंग दूसरा कॉन्सेप्ट,
लाइफ साइकिल कॉस्टिंग तीसरा कॉन्सेप्ट, परीटो एनालिसिस चौथा कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पांचवा कॉन्सेप्ट। तो फटाफट ये पांचों कॉन्सेप्ट अपन लोग अभी इसको रिजोल्व कर लेते हैं, आ जाओ। चलो सबसे पहला है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। सो देखो एक ध्यान रखना, कॉस्ट कंट्रोल एक टेम्पररी मेजर है, कॉस्ट रिडक्शन एक परमानेंट मेजर है। प्लस यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखना है, कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड और बजट्स, बट कॉस्ट रिडक्शन अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन, या रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट। यहाँ पे टेम्पररी सेविंग, यहाँ पे रियलिस्टिक सेविंग, लेस डायनेमिक, फुल्ली डायनेमिक अप्रोच है। एम्फसिस हियर इज ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, बट कॉस्ट रिडक्शन में फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म, मतलब फ्यूचर कॉस्ट कैसे कम करना है। एक प्रिवेंटिव मेजर है, एक करेक्टिव मेजर है। सो कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव, व्हेयरएज कॉस्ट रिडक्शन इज अ करेक्टिव मेजर। सो हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ एक्चुअल विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। तो कॉस्ट कंट्रोल जो भी है ना, स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही आपको डिसीजन लेगा, बट कॉस्ट रिडक्शन विल ऑलवेज फाइंड वे सब्स्टिट्यूट टू फाइंड सब्स्टिट्यूट एंड न्यू मीन्स लाइक वेस्ट रिडक्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है तो चार तरीके हैं, प्रोडक्ट को रीडिजाइन बराबर से कर दो, ऑर्गेनाइजेशन का आपका लेआउट बराबर होना चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोग्राम कुछ इंट्रोड्यूस करो, एंड फैक्ट्री लेआउट शुड ऑल्सो बी वेरी गुड। सो टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, पहले आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे जाते हो, देन यू गो टू द टारगेट प्राइस, फिर टारगेट प्रॉफिट, उसके बाद आप टारगेट कॉस्ट पे आते हो, और फिर बाद में प्रोडक्ट डिजाइन। तो यहाँ पे इन केस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, फर्स्ट आप डिसाइड कर लोगे आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए मार्केट के हिसाब से आप डिटरमाइन करोगे, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए आप उतना देख लोगे आपके वर्किंग के हिसाब से, जो बच गया वो मेरा टारगेट कॉस्ट। मैं ट्राई करूंगा मेरे प्रोडक्ट को डिजाइन करने का इन सच अ वे कि मैं ये टारगेट कॉस्ट पे पहुंच जाऊं। बट पहले क्या हुआ था, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बाद ही आप एस्टिमेट कर देते थे कॉस्ट, फिर आप अपने कॉस्ट के बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट ऐड करते थे जिससे मिलता था आपको आपका टारगेट प्राइस। तो समझ में आ गया। सो ये है डिफरेंस बिटवीन टारगेट कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर। दो मेजर कंपोनेंट्स है, एक है वैल्यू इंजीनियरिंग एंड दूसरा वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू इंजीनियरिंग इज मोर इन डेप्थ। वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं एलिमिनेट एंड मिनिमाइज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, सिंपल। वैल्यू इंजीनियरिंग काफी डिटेल्ड है, अपॉर्चुनिटीज टू मॉडिफाई डिजाइन जिससे कॉस्ट का रिडक्शन होगा, बट एंश्योरिंग दैट देर इज नो रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग के लिए 6 से 7 चीजें आपको दी गई है एग्जाम में लेकर आने का। क्या कोई फंक्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या हम डिजाइन प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर सकते हैं बेटर वे में, कोई सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं, इज देर अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन, कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी, कोई ऐसी चीज जिसका काम नहीं है, कैन वी कंबाइन स्टेप, कैन वी टेक सप्लायर्स असिस्टेंस। तो क्या सप्लायर से कुछ बेटर असिस्टेंस मिल जाएगा, बेटर वे करने का है, कोई सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कोई पार्ट को, डिजाइन कर सकते हैं बेटर वे में, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग। फिर आता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तीन स्टेजेस है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे द कॉस्ट आर वेरी हाई, प्रॉफिट इज वेरी लो, प्रोडक्ट इज लॉन्च, सेल्स ग्रो स्लो, सेल्स ग्रो स्लोली एज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपका मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा होगा। इन केस ऑफ ग्रोथ सेल्स स्टार्ट टू ग्रो रैपिडली, बट रेगुलर आपको एडवर्टाइजिंग चाहिए, प्राइसेस थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो आप, एंड यू कैन इंक्रीज द ओवरऑल टर्नओवर। मैच्योरिटी पे सेल्स इंक्रीज बट एट अ वेरी स्लो लेवल, इंटेंस कॉम्पिटिशन आ जाता है, एडवर्टीजमेंट आप थोड़ा बहुत करते हो, एंड डिक्लाइन में सेल्स फॉल हो जाता है एंड प्रोडक्ट लूजेस इट्स अपील। स्ट्रेटेजीज वाइज प्रोडक्ट प्राइस एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आप कुछ स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो, सेम इज द केस विद कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर बाद में आ जाता है परीटो एनालिसिस। परीटो एनालिसिस में ध्यान रखना, देयर इज अ 80-20 रूल, मतलब आप 20% पे फोकस करोगे तो आपको बेनिफिट 80% का मिल सकता है, इज व्हाट परीटो सेड। इट इज अ रूल दैट रिकमेंड्स फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कॉल्ड एज 80-20 रूल। इसके एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो एप्लीकेशन आपको एज इट इज लिखकर आने हैं, जो मेन हेडिंग्स है। प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, एबीसी के लिए यूज होता है स्टॉक कंट्रोल, तो यहाँ पे एबीसी स्टॉक कंट्रोल के लिए यूज होता है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है ये परीटो एनालिसिस। सो प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एबीसी स्टॉक कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। एवरीबॉडी अगेन, प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट के लिए, एबीसी स्टॉक कंट्रोल के लिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए,
कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन आने का चांसेस है। सो एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वजह से आपको पता चलता है कि कितने आपके कॉस्ट एक्स्ट्रा इंकर होने वाले, जिसके हिसाब से आप आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग कर सकते हो। व्हाट एक्जैक्टली इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग? प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द इंट्रोडक्शन रिलेटिंग टू एनवायरमेंट कॉस्ट फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग, ताकि मुझे पता चले एनवायरमेंट कॉस्ट कितना है तो मैं इंटरनल डिसीजन मेकिंग उस हिसाब से ले सकूं। किस चीज का इंटरनल डिसीजन मेकिंग? प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या करना है, बजटिंग कैसे करना है, कॉस्ट क्या बेसिस पे कैलकुलेट हुए, एंड इन्वेस्टमेंट मेरा ओवरऑल मेरा फिजिबल है या नहीं बेस्ड ऑन एनवायरमेंट। टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन, सो यहाँ पे चार मेथड्स है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चार तरीके से आप आपका एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉस्ट को अकाउंट कर सकते हो, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। देन अगर आपको एनवायरमेंट कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो देर आर फाइव वेज, वेस्ट कंजम्पशन कंट्रोल करो, वाटर कंजम्पशन कंट्रोल करो, एनर्जी को प्रॉपरली मैनेज करो, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल शुड बी रिड्यूस्ड, यू कैन हैव मोर ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कंज्यूमेबल एंड रॉ मटेरियल शुड ऑल्सो बी कंट्रोल। सो अगर आपको एनवायरमेंट कॉस्ट को कंट्रोल करना है, वेस्ट कंजम्पशन, वाटर, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट कम करो, कंज्यूमेबल ऑफ रॉ मटेरियल पे ध्यान दो, एंड एट द सेम टाइम एनर्जी शुड ऑल्सो बी कंज्यूम इन अ प्रॉपर मैनर। फिर बाद में आ जाता है एनवायरमेंट कॉस्ट। एनवायरमेंट कॉस्ट में अपने दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, वो ठीक है। मेन अभी आ जाता है यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की वजह से चार मेजर कॉस्ट है। कन्वेंशनल कॉस्ट जो बोलते हैं ना, टिपिकल रॉ मटेरियल्स है, यूटिलिटीज है, जो कैपिटल गुड्स है वो यूज हो रहे हैं। पोटेंशियली हिडन कॉस्ट जो अपने को पता नहीं है दैट दे आर इंकर बीइंग इंकर्ड एंड एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, सो रेगुलेटरी एनवायरमेंट कॉस्ट के जैसा। कंटिंजेंट कॉस्ट जो मे और मे नॉट इंकर, पेनल्टी फाइन है तो उसका कुछ भरोसा नहीं है। रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एनवायरमेंट रिपोर्ट। सो ये बेसिकली चार मिला के बनते हैं आपके यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के कॉस्ट, कन्वेंशनल, पोटेंशियली हिडन, कंटिंजेंट एंड रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट। एंड लास्ट है मेरा टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट कॉस्ट, विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, जैसे अपना कॉस्ट ऑफ क्वालिटी था, एक एनवायरमेंट प्रिवेंशन, एनवायरमेंट अप्रेजल, एनवायरमेंट इंटरनल फेलियर एंड फाइनली एनवायरमेंट एक्सटर्नल फेलियर। तो जो मेरा इधर यहाँ पे एनवायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट है, दैट इज बेसिकली मेरा इंटरनली मेरे पोल्यूशन कंट्रोल ना, इक्विपमेंट ना लगाने की वजह से, मेरे इंटरनल फैक्ट्री के प्रोसेस की वजह से क्या एडवर्स एनवायरमेंट इंपैक्ट हो रहा है, जिसको मैं अच्छा करने के लिए मैं मॉनिटरिंग टेस्टिंग क्या कर रहा हूँ, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस या ऑडिट रेगुलरली करवा रहा है कि नहीं, वो एनवायरमेंट अप्रेजल कॉस्ट है। इंटरनल फेलियर मतलब अगर मेरी वजह से कोई लैंड खराब हो गया है या कोई स्क्रैप करना है मेरे को, डिस्पोजिंग टॉक्सिक मटीरियल है, ऑल ऑफ दैट। एंड एक्सटर्नल इज बेसिकली वेयर गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व, जहां पे मेरे को एनवायरमेंट को क्लीन करना पड़ेगा, सॉइल को क्लीन अप करना पड़ेगा, लैंड को उसके नेचुरल स्टेट में लेकर दिखाना पड़ेगा। तो ये चार मेरे टाइप ऑफ एनवायरमेंट कॉस्ट है, एनवायरमेंट प्रिवेंशन, एनवायरमेंट अप्रेजल, एनवायरमेंट इंटरनल फेलियर, एनवायरमेंट एक्सटर्नल फेलियर, और जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए वो आपको प्रॉपरली लिखकर आना है, एंड इन दैट मैनर यू विल बी एबल टू मैनेज दिस चैप्टर एज वेल। तो अभी बस आपको एग्जाम के दिन पे वापस से ये सुन लेना है एंड एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू कर लेना है जो ये पीडीएफ दिया है, एंड विल बी थिंग्स विल बी सॉर्टेड। Okay, so time for me to say hasta la vista. Hope you had a great session, guys. बनाने में मुझे मजा आया, efforts लगा, but hope the efforts are worth it when we see the paper tomorrow. एक एक word चुन चुन के लिखकर आना, guys. Do share your comments if you like the lecture and share it with your friends who may want it for their preparation time. ठीक है, take care, keep smiling. Thank you so much.